बहुत झूठ बोलती हैं आपा, मुझे तो पता समझ नहीं आ रही कि आपा क्यों मुझे सबकी नजरों में जलील करना चाहती हैं। जब से तलाक हुई है ना, आपा बहुत चिड़चिड़ी हो गई हैं, हर वक्त झगड़ा करती रहती हैं, लड़ती रहती हैं। अब अगर उनके शौहर ने उनसे बेवफाई की है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मुझसे किस बात का इंतकाम ले रही है वो? Stop it! Enough! अरे बाहर से आता हूँ, काम का स्ट्रेस होता है, घर आता हूँ तुम लोग की चिक चिक शुरू हो जाती है, अभी उनकी शिकायतें सुन क्या, या तुमने शिकायतों का पलंदा खोल दिया, थक गया हूं मैं यार। बस कर दो, इतना कहा गया तुम लोगों से, इस घर के एक एक फर्द से। सॉरी जरबाब, मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं आपको परेशान करूं। वो मैं तो बस आपको घर के हालात बता रही थी कि घर में चल क्या रहा है। अच्छा छोड़े इन बातों, आप मुझे बताएं आपके लिए चाय बना कर लाऊं, आपका सर दबा दूं? फायजा मैडम, तुम तो अपना बोरिया बिस्तर आप बांध ही लो, क्योंकि ज्यादा दिन तुम्हें मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी।